तो दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने भी अपनी क्रिकेट की कहानी हमें सुनाई है, आइए हम आपको सुनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सेंटर न्यूज। तो दोस्तों, ये है वो मौसम जब 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी टकरार थी, और आपको पता है उस मैच में वेंकटेश ने कुछ ऐसा धमाल मचाया था कि आपके होश उड़ जाएंगे। अरे हाँ, 1996 में वनडे वर्ल्ड कप का क्या था वो मजा, आइए आपको बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच था ये धमाकेदार क्वार्टर फाइनल मैच, और वेंकटेश प्रसाद ने तो मजा ही करा दिया। उन्होंने पाकिस्तान टीम के चक्कों के ऊपर इतना चक्कर चलाया कि वो डर के मारे रो ही पड़े। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कुछ हुआ था। अरे यार, ये था वो मैच जिसने हमारे खिलाड़ियों को रुला के हंसा दिया था। भारत ने 50 ओवर्स में 8 विकेट गिरा के 287 रन बनाए थे। वेंकटेश ने अपनी स्किल और स्ट्रेटेजी से अमिर सोहेल के पास ठोक दी थी एक गेंद। हाँ, उन्होंने वही जगह निशाना लिया जहां सोहेल खड़े थे, और आपको बताऊं, उस दिन तो सोहेल इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने बोला, मैं अगली गेंद पर भी वही शॉट मारूंगा। आखिरकार वो क्लीन बोल्ड हो गए। ये था वो मूवमेंट जब स्टेडियम में दर्शक बिल्कुल चुप थे, खिलाड़ियों में टेंशन और ऑडियंस में सस्पेंस था, और तब वेंकटेश ने दिखाया कि आक्रामकता को कंट्रोल में रखना भी एक कला है, माइंड पावर का खेल है सारा। और आपको पता है, वेंकटेश ने युवाओं को भी दिया एक सॉलिड लेसन। उन्होंने कहा, आपको आक्रामकता होना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको समझना भी जरूरी है कि क्या कर रहे हो। आखिरकार क्रिकेट में स्ट्रेटेजी का भी तो एक लेवल है भाइयों। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था दोस्तों, फुल मूवी अभी बाकी है, क्योंकि यह कहानी में और भी धमाल लेकर आने वाले हैं। तो रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे वेंकटेश प्रसाद ने 1996 के वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रुला दिया था। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो भी जल्द मिल सके। और अब तैयार रहिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में भी आपको सुनाएंगे एक डरावनी, शॉकिंग और लाफ्टर फिल्ड कहानी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेट का आनंद लेते रहिए।